कांग्रेस की तरफ से जगमीत बराड़ और चौधरी बीरेन सिंह को निलंबित किए जाने के बाद बीरेन सिंह ने कहा है कि किसान के दो बेटों को निकालकर पार्टी ने ठीक नहीं किया, गलत किया। साथ ही कहा कि हमने कभी पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। वहीं अपनी रणनीति पर बोलते हुए बीरेन्द्र ने कहा है कि आगे की रणनीति का फैसला वो कल करने जा रहे हैं। साथ ही हजका भाजपा गठबंधन बीरेन सिंह ने कहा कि हजका भाजपा गठबंधन बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पार्टी में अगर सच्चाई बयां करना अपराध है तो वो काम मैंने किया है। सोनिया जी से मुलाकात। कांग्रेस में सच्चाई बयान करना अपराध है तो हमने किया, और चाटुकारिता ही सबसे बड़ा गुण है तो वो हमारे में नहीं है। इस उपहार को कैसे देखते हैं जो दिया गया है? उपहार नहीं, ठीक है, पार्टी एक पार्टी है, उसमें अगर कोई हमने सीमाएं लांघी हैं उनके निर्णय के अनुसार तो जो एक्शन है हमने, इसका कोई दुख नहीं है मेरे को। सिर्फ ये ज़रूर है कि मैंने हमेशा जो बात कही पार्टी हित में कही, कभी पार्टी से को नुकसान करने के लिए कोई बात नहीं कही। उत्तरी भारत के दो किसान के बेटों को कांग्रेस ने जिस तरीके से निकाला है, सच्चाई बयान करने की सजा दी है, वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होएगा, उसका कांग्रेस को नुकसान होगा। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, हालांकि मैं अभी तक मेरा कोई बीजेपी से या बीजेपी का मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी और हजका का अगर गठबंधन रहे तो ज़्यादा ठीक है, और उसको नहीं रहते तो कुलदीप बिश्नोई को ज़्यादा नुकसान है और कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को।